हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, और ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर में हम आज स्टडी करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। सो डियर बच्चा लोग, इसके प्रीवियस हम दो लेक्चर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि ये जो सिल्क वर्म है उसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो बच्चा लोग आपको ये तो पता ही होगा कि जो सिल्क वर्म होते, नाम से ही पता चलता है इन्हीं में से हमको सिल्क मिलता है। ठीक है ना, तो ये उसी का टॉपिक है। हम पहले आज देखेंगे कि सिल्क वर्म की पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि भाई उसमें से फाइबर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कहता है, फीमेल मोथ लेज एग ऑन द मलबरी लीव्स। तो भाई जो फीमेल मोथ होती है ना, वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। कहां पर एग ले करते हैं, तो मलबरी ट्रीज के ऊपर के लीव्स जो होते हैं ना, उस पर ये अपने अंडे देती हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस भी बताया, ये जो मलबरी ट्री है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए। ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम, अब इन्होंने अंडे दे दिए, उसके बाद की प्रोसेस क्या है बच्चा लोग, आफ्टर सम टाइम दिस एग्स हैच इनटू लार्वा। ठीक है ना, अब कुछ टाइम के बाद में ये जो एग हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चा लोग, ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा बन जाते हैं। उसके बाद का पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, दिस लार्वा आर नोन एज अ कैटरपिलर और सिल्क वर्म। और ये जो लार्वा होता है ना, ये लार्वा इसमें से बना, इसी को हम क्या कहते हैं, सिल्क वर्म कहते हैं, या तो फिर उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। हम यहां दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज बाय फीडिंग ओनली ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। तो भाई ये जो कैटरपिलर्स यहाँ पर अभी ग्रोथ हुए, वो क्या करते हैं, वो जो मलबरी ट्रीज होते हैं ना, मलबरी ट्रीज के लीव्स को खाते हैं और इस तरीके से अपनी जो है वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना, आगे का हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या कहता है, When the caterpillar has grown large enough, ठीक है ना, अब ये जब caterpillar है वो अब अच्छे से बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, large enough and is ready to go to the stage of pupa। देखो बच्चे लोग, pupa एक इसमें stage आता है, इनकी जो life cycle है ना, उस life cycle में एक stage आता है, that is pupa। ठीक है ना, तो अब बड़े होते हैं, बड़े होंगे, grow करेंगे, धीरे धीरे pupa के जो stage होता है उसमें enter होंगे। ठीक है ना, it start weaving a net around itself to hold itself। अब बच्चा लोग, ये लीव्स के ऊपर में रहते हैं, लीव्स को खाते हैं ना, तो लीव्स पर से गिर भी सकते हैं, तो खुद को वहां पर होल्ड करने के लिए अपने आसपास में क्या करते हैं, वीविंग करते हैं ना, क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, एक अपने आसपास में एक तंतु, एक प्रकार के फाइबर जो है वो स्टार्ट करते हैं वीव करना खुद को अपने ही ऊपर। ठीक है ना, फिगर के थ्रू भी इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग क्या कहता है, Then it moves its head, है ना, Then it moves its head from one side to another, जहां पर वो क्या करते हैं, अपने जो उनके जो हेड रहता है वो एक साइड से दूसरी साइड पे वो मूव करते हैं। ठीक है ना, मेकिंग अ फिगर ईट, ठीक है ना, मेकिंग अ फिगर ईट मतलब वहां पर क्या करते हैं, वो उनमें डेवलपमेंट होती है जिससे कि वो एक साइड से दूसरी तरफ वो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, अभी जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट के दौरान कैटरपिलर्स सीक्रेट अ फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। अब ये जो कैटरपिलर्स हैं, ये क्या करते हैं, एक सीक्रेशन करते हैं, किसका सीक्रेशन करते हैं बच्चा लोग, तो फाइबर का सीक्रेशन करते हैं, किसका सीक्रेशन करते हैं, फाइबर का सीक्रेशन करते हैं। ये फाइबर जो का सीक्रेशन जो कर रहे हैं वो किससे बना हुआ होता है बच्चा लोग, तो वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, समझ में आ रहा, किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, विच सॉलिडिफाइज एंड हार्डन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर सम टाइम्स। तो अगर इसको जो उन्होंने अपने तरफ चारों तरफ वेव किया हुआ है, ठीक है ना, फाइबर, वो फाइबर किसका बना हुआ होता है, तो वो फाइबर जो है बच्चा लोग प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब जब इस फाइबर को उसमें से निकाला जाए, अगर कुछ टाइम एयर में उसको रखा जाए कोल्ड करके, तो कैसा हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, और वो कैसा बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, दिस इज द सिल्क फाइबर, और यही जो होता है वो क्या होता है, सिल्क फाइबर होता है, जिसके अंदर से सिल्क के क्लोथ बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कैटरपिलर्स कंटिन्यू टू स्पिन फाइबर टिल दे कंप्लीटली गेट कवर्ड बाय दिस फाइबर्स।
अब क्या कहते हैं, अब यहां पर इन्होंने स्टार्ट तो किया है, लेकिन जब तक वो पूरी बॉडी को अपने कवर नहीं कर लेते, पूरी बॉडी को मान लीजिए उसकी बॉडी पूरी बॉडी को जब तक वो कवर नहीं कर लेते, तब तक ये जो कैटरपिलर्स हैं इस फाइबर को क्या करते रहते हैं, वीविंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी पूरी बॉडी इस तरीके से कवर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट। दिस सिल्क कवरिंग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो सिल्क कवरिंग है, इन विच अ सिल्क वर्म कवर्स इटसेल्फ इज नोन एज अ ककून। और ये जो सिल्क कवरिंग हो गई ना, उन्होंने खुद को सिल्क से पूरा कवर कर लिया, तो उसको क्या कहा जाएगा बच्चा, उसको कहा जाएगा ककून कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ककून कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसका नेक्स्ट टर्म स्टेज जो है मान सकते हैं क्या है, दैट इज ककून, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका बच्चा लोग क्या कहता है। अब यहाँ पर उन्होंने ककून बनाना स्टार्ट कर दिया है, ककून बन गया है, है ना। नाउ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क वर्म टेक प्लेस इनसाइड द ककून। अब आगे की जो जो सिल्क वर्म है उनकी जो पूरी डेवलपमेंट है वो किसके अंदर में होने वाली है, तो वो ककून के अंदर में डेवलप होने वाली है, ठीक है ना। पहले हमने देखा उन्होंने क्या स्टार्ट किया भाई, तो वो पीपा स्टेट पर जाने के लिए रेडी है, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उसके लिए वो अपने बॉडी पर एक वीविंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और उस वो जो वीविंग है ना, मीन्स वो फाइबर किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और वो जो प्रोटीन का बना हुआ फाइबर होता है वो क्या होता है, वही तो सिल्क फाइबर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब पूरा ये बन जाता है, पूरा कवरिंग रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया उनका जो होम है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको ककून कहेंगे। अब आगे की जो पूरी उनकी बॉडी की डेवलपमेंट है, पूरे बड़े होंगे किसके अंदर में होंगे, इस ककून के अंदर में ही वो होने वाले हैं। एंड इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज। और ये कहां पर एंटर हो गया बच्चा लोग, अब ये प्यूपा स्टेज में एंटर हो गया, यहां पर उसने स्टार्ट किया था, अब यहां पर क्या हो गया, वो प्यूपा स्टेज में एंटर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चा लोग क्या कहता है। प्यूपा स्टेज में ये एंटर हो चुके हैं, प्यूपा स्टेज में एंटर होने के बाद में क्या होता है, द प्यूपा enters into the adult stage and emerges out of the cocoon as mouth, ठीक है ना। अब ये जो pupa है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, वो adult stage में अब enter होगा, adult stage, ठीक है, बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। और इस cocoon में से वो बाहर निकलेगा, क्या बनकर निकलेगा, तो मोथ बनकर के निकलेगा, क्या बनकर के निकलेगा, मोथ बनकर के निकलेगा, मींस ये जो सिल्क वर्म है वो क्या बनेगा लास्ट में, तो मोथ बन जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो यहां पर इस तरीके से इसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है। अब ये मोथ निकला, अब फिर से ये एग्स देगा और फिर से वो पूरी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम फिगर के थ्रू भी समझते हैं। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एग से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीव है, लीव किसका है बच्चा लोग, तो मलबरी ट्री का ये लीव है, यानी मलबरी लीव है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे आप एग्स देख रहे हैं ग्रीन कलर के, इस तरीके से ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का बनाया हुआ है। तब यहाँ पर से बच्चा लोग एग, अब ये जो एग है ना, अब उस एग में से क्या बनेगा बच्चा लोग, तो यहाँ पर सिल्क वर्म बनेगा, सिल्क वर्म उसका डेवलपमेंट होगा, हमने यहाँ पर देखा ना क्या बनेगा, कैटरपिलर बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा, और ये लार्वा क्या होता है, यानी कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म। तो यहाँ पर सिल्क वर्म बना, अच्छा अभी सिल्क वर्म आया, अब क्या करेगा बच्चा लोग, हमने देखा, ठीक है ना, तो क्या करता है, फिगर अपने आसपास क्रिएट करता है, ठीक है ना, और मूवमेंट करने लगता है। अब क्या करेगा, अपने आसपास में वो जो फाइबर है उसको क्या करने का, वीविंग करना स्टार्ट कर देगा फाइबर से। और वो फाइबर किसका बना हुआ होता है, वो जो फाइबर है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, राइट है। चलो अब जब उसने पूरी तरीके से खुद को फाइबर से कवरिंग कर लिया है, देन वो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ककून बन जाएगा, है ना, ककून बन गया। अब इसके अंदर में ये है, ये जो सिल्क वर्म है किसके अंदर में है, इस ककून के अंदर में है। अब क्या होगा, अब इसी ककून के अंदर में इसकी फर्दर जो है डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट हो रही है। यहां पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर नेक्स्ट इसका स्टेज है, दैट इज ककून विद डेवलपिंग मूथ। अब बच्चा लोग ये ककून है जिसके अंदर में ये जो मूथ है इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, तो मूथ डेवलप हो रहा है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो याद रखने का है आपको, ये फिगर भी आपको आती है, पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क जो है आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर में जो हमने वुल्फ के अबाउट में स्टडी किया उसमें भी ये जो सिल्क है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। चलो यहाँ पर आया, मोथ बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, एंड देन जब इसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी तो इस ककून में से बाहर निकल जाएगा,
बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, इस एडल्ट मोथ बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडल्ट मोथ है, मोथ है हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर से निकलेगा, फिर से जो इनकी लाइफ साइकिल वो स्टार्ट हो जाएगी, ये एग लेकर आएंगे, ठीक है। फिर से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो लार्वा में, लार्वा में से सिल्क वर्म बनेगा, और इस तरीके से पूरी ये जो साइकिल है राउंड 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 इस तरीके से चलती रहती है, इसी को तो हम साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरी चीजें, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन उसके बगल में दिख रहा है उसको दबा करके और सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।